हेलो गाइज, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएन चैंपियन। और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ नंबर वन और नंबर टू के बीच होने वाले मैच की, जो कि ये मैच आज शाम 7:30 बजे सवाई मानसिंह स्टेडियम राजस्थान जयपुर में ये मैच खेला जाएगा। ठीक है, तो ये जानते हैं कि इस मैच में पिच रिपोर्ट क्या रहेगी, क्योंकि यार देखो बहुत सारे लोग अभी भी बैटिंग फ्रेंडली मान के चल रहे हैं, बट दोस्तों ये पिच बहुत ही डिफरेंस है और आपको देखो अपनी खुद की टीम बनाने में थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मान लो ये पिच मान लेते हैं कि ये पिच बॉलिंग फ्रेंडली भी रहेगी, तो दोस्तों वो कौन कौन से बॉलर हैं जिनको यार हमें अपनी टीम में टारगेट करके चलना होगा। तो यार बहुत ही इसमें माइंडली गेम आपको खेलना होगा आपको अपनी खुद की टीम क्रिएट करने में। तो मेरे भाई वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, बहुत इंटरेस्टिंग मैच भी होगा। तो गाइस वीडियो में आप बने रहना लास्ट तक, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहती है। साथ ही साथ आपके लिए वीडियो में गिव अवे भी है, जो कि दोस्तों आपको मैच से रिलेटेड ही मैं आपसे कुछ ईजी सा क्वेश्चन पूछूंगा, और अगर आप उसका सही जवाब देते हो तो फिर दोस्तों आपको गिव अवे विनर के रूप में भी सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना, प्लस में गाइस देखो सपोर्ट समर्थन करते रहो मेरे भाई वीडियो को। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को देखो लाइक करके स्टार्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं, उससे पहले फटाफट से गाइस अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो देखो यार बहुत ही अच्छी अच्छी विनिंग यहां पर हो रही है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो देखो ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो डाल दूंगा। ठीक है, वहां से जाकर सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल को आप देखो ज्वाइन कर लो। यहाँ पर आपको सभी स्पोर्ट्स की फैन टीमें बिल्कुल फ्री में मिलती है, हम लोग कोई भी आपसे एक्स्ट्रा चार्ज या फिर एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेते। आप यहाँ पर आइए खेलिए और आप यहाँ पर अच्छे अच्छे अमाउंट भी आप देखो कमा सकते हो। ठीक है, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस यहाँ पर मैं डायरेक्ट मैच को आता हूँ, कुछ मैं आपको बातें बताने वाला हूँ, आप देखो ध्यान से देखना। तो गाइस ये मैच नंबर 26 रहेगा, जो कि 19 अप्रैल यानी कि आज के दिन शाम के 7:30 बजे सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में ये मैच खेला जाने वाला है। पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात कर लूँ तो दोस्तों देखो मैंने यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट भी मैंने ऐड किए हैं, और अगर मैं ओवरऑल बात कर लेता हूँ तो दोस्तों ये पिच एक स्पिनर फ्रेंडली पिच रहने वाली है, क्योंकि यार देखो जैसे जैसे ये मतलब मैच यहाँ पर होता जाएगा वैसे वैसे देखो पिच यहाँ पर धीमी होती चली जाएगी और मिडिल ऑर्डर में पूरा का पूरा यहाँ पर इस पिच पे स्पिनर मैच में डोमिनेट करते हुए आपको दिखने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं देखो आपको अपनी टीम में मतलब ऊपर के बल्लेबाज को ट्राई करना, मतलब जितना ज़्यादा हो सके पावर प्ले वाले जो बल्लेबाज हैं आप उनको ट्राई करना, और फिर बाकी अपनी टीम में स्पिनर को ले लेना, भर के ले लेना। तो गाइस ये तो मेरी ओर से आपके लिए कुछ सजेशन रहेगा। रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं, देखो यहाँ पर टोटल 47 मैचेस हो चुके हैं, जिसमें से 15 बार बैटिंग फर्स्ट करते हुए टीम ने मैच को जीता है और 32 बार यहाँ पर रन को स्कोर करते हुए टीम ने मैच को जीता है। तो कहीं ना कहीं देखो स्कोर तो करना यहाँ पर इजी रहता है, और उसका सबसे मेन कारण तो यार देखो ड्यू फैक्टर ही रहती है। ठीक है, ड्यू के कारण देखो बॉलिंग करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, इसके कारण देखो रन यहाँ पर चेज हो जाता है। और फर्स्ट इनिंग की एवरेज स्कोर देखो यहाँ पर बात कर ले तो देखो 150 के ही आसपास यहाँ पर इसके ही इर्द गिर्द समथिंग समथिंग आपको यहाँ पर स्कोर बनता हुआ दिखने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपको अगर आप खुद की टीम क्रिएट कर रहे हो तो टॉस होने तक का तो देखो आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपनी टीम आप बना सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल गाइस ये तो पिच रिपोर्ट की हो गई। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या रहेगी और यहाँ पर प्लेयर्स के रिकॉर्ड क्या है, कौन कौन से प्लेयर को हमें लेना है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड मैंने डाटा जो भी है मैंने ऐड कर दिया है, और देखो मैं हर प्लेयर के बारे में कुछ ज्यादा बताऊंगा नहीं, होगी अगर बताने पर आया तो वीडियो बहुत ही लंबी बन जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो वीडियो की क्वालिटी बहुत ही बेस्ट है, तो आप यहाँ पर देखो स्क्रीनशॉट भी आप चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ओपनिंग करते हुए जायसवाल और गाइस जोस बटलर दिखने वाले हैं। यहाँ पर आप इनका रिकॉर्ड देख लो, मैं बार बार बोलने वाला नहीं हूँ। नंबर 3 पे संजू सैमसन, जो कि बहुत ही बढ़िया प्लेयर है। नंबर 4 पे रियान प्राइड, देखो इस मैच में नहीं खेलेगा, इस मैच में देखो देवदत्त पड्डीकल आपको खेलता हुआ दिख सकता है। नंबर 5 पे गए सेवरन हेटमायर, लेफ्ट हैंडेड प्लेयर, आप इनका रिकॉर्ड देख लो बहुत ही बढ़िया फॉर्म में चल रहा है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। 5 मैच में से तो यार 4 मैच में ये तो आउट ही नहीं हुआ है, लास्ट मैच में देखो इन्होंने मैच विनिंग नॉक भी खेली थी, जो कि यार हारा हुआ मैच एकदम से इन्होंने पलट दिया था। इनके अलावा गए देखो ध्रुव जरेल, जो कि युवा प्लेयर है, बहुत ही अच्छी खासी नौ खेलता है, लंबे लंबे देखो सिक्सेस ये भी लगा सकता है, बट दोस्तों अभी तक इन्होंने ना ही हेड टू हेड में एक मैच भी खेला है और ना ही इन्होंने आज तक इस वेन्यू पर भी मैच खेला है। तो दोस्तों आपके लिए कहीं ना कहीं ये रिस्की चॉइस रहेगा। इनके अलावा बॉलिंग की बात कर ले तो रविचंद्रन अश्विन एज अ ऑफ स्पिनर 5 मैच में 6 विकेट और कभी कभी ये देखो बल्लेबाजी करने ऊपर भी आ सकता है। ठीक है, हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू पर रिकॉर्ड आप इनका चेक कर लेना। ट्रेंट बोल्ट 4 मैच में 6 विकेट पावर प्ले में, और आपको ये डेथ ओवर में बॉलिंग करते हुए आपको दिखाई देगा। हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है, वेन्यू पर भी उन्होंने 1 मैच में 1 विकेट लिया है, तो ओवरऑल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। एडम जंबा की बात कर लूँ तो मेरे भाई अगर ये खेलता है तो फिर इस मैच में शायद जेसन होल्डर नहीं खेलेंगे, और अगर जेसन होल्डर खेलता है तो ये नहीं खेलेगा। ठीक है, बाकी अगर रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों मैच में इन्होंने 1-1 विकेट लिया है, और फॉर्म में देखो ये भी ठीक ठाक है। बाकी यहाँ पर संदीप शर्मा, जो कि आपको पूरा का पूरा ये लास्ट ओवर में ही बॉलिंग करने आता है, 3 मैच में 4 विकेट और लगभग इन्होंने तीनों ही मैच में बहुत ही बढ़िया बॉलिंग भी की है। जो एक मैच था चेन्नई के सामने जहाँ पर इन्होंने धोनी के सामने जो रन को डिफेंड किया था बहुत ही
बढ़िया इन्होंने यॉर्कर भी लगाई थी, बॉलर बहुत बढ़िया है इनके अलावा। देखो जडेजा चहल वन ऑफ द बेस्ट विकेट टेकर ऑप्शन, लेग स्पिनर, 5 मैच में 11 विकेट, लॉक इन्होंने 5 मैच में देखो विकेट भी लिया है, ठीक है। तो गाइज ये तो बात कर ली, मैं राजस्थान रॉयल्स के जो प्लेयर रहेंगे उनका आप यहाँ पर देखो चहल का रिकॉर्ड भी आप चेक कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड है, ठीक है। तो गाइज अब यहाँ पर बात कर लेता हूँ मैं लखनऊ की, लखनऊ का इस मैच में प्लेइंग 11 क्या रहेगा और कौन कौन से प्लेयर हैं जिन्हें हमें अपने टीम में टारगेट करके चलना चाहिए। तो गाइज देखो लखनऊ की बात करें तो देखो लोकेश राहुल के साथ कायल मेर्सी ओपनिंग करने आएंगे, और अगर बाई चांस डिकॉक इस मैच में खेलता है तो देखो वो तो क्या खेलेगा, तो देखो कायल मेर्स के जगह ही खेलेगा, या फिर अगर वो खेलने आता है तो फिर वो इंपैक्ट प्लेयर के रूप में खेलने आएगा, ठीक है। नंबर 3 पे दीपक हुड्डा फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं है, रिसेंट फॉर्म चेक कर लो, किसी भी मैच में इन्होंने डबल डिजिट का स्कोर एक मैच को छोड़ दिया है 17 रन, तो मतलब ये जल्दी जल्दी आउट हो गए यहाँ पर चला जाता है। नंबर 4 पे कुणाल पांड्या जो कि आपको अपने कोटे का चार ओवर करके भी देगा, और देखो बैटिंग भी बहुत ही ठीक ठाक कर लेता है, ठीक है। ऑप्शन आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन का बहुत ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा इस मैच में। इनके अलावा निकोलस पुरन विकेट कीपर बैट्समैन भाई फॉर्म है तो बहुत ही बढ़िया फॉर्म है, जैसा सिमरन हेटमायर फॉर्म में चल रहा है वैसे ही ये निकोलस पुरन भी फॉर्म में चल रहा है, ठीक है। और इन्होंने मैच भी जितवा रखा है बहुत सारे। इनके अलावा कई मार्कस टोनिक्स रिकॉर्ड तो है, देखो इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, वैन पर इनका रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, और ओवरऑल देखो ये प्लेयर भी मतलब ठीक ठाक फॉर्म है, आप इन्हें चाहो तो ले लो। मिडिल ऑर्डर में देखो ये बैटिंग करने आएगा आयुष बदोनी जो कि दोस्तों आपके लिए ये देखो जीएल वाला प्लेयर है, ठीक है। बैटिंग तो यार देखो ठीक ठाक करता है, बट अभी तक वेन्यू पर इन्होंने कुछ ज्यादा मैचेस नहीं खेले, 2 मैच में केवल 25 रन 12 का एवरेज है, और हेड टू हेड भी रिकॉर्ड उतना खास नहीं है, ठीक है। देन अगर बॉलिंग की बात कर लेता हूँ तो गाइज यहाँ पर यदुवीर सिंह चरक एक पहले मैच में देखो इन्होंने 2 विकेट लिया था डेब्यू करते हुए, बट ऐसा नहीं है कि मतलब ये आपको डेली का डेली 2-2 विकेट आपको लेकर दे, ठीक है। इनके अलावा गाइज देखो रवि बिश्नोई 5 मैच में टोटल 8 विकेट, एक विकेट टेकर ऑप्शन ये भी है, एक मैच को छोड़ दिया है, तो गाइज इन्होंने लगभग सभी मैच में विकेट लिए हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। आवेश खान जिनका यार देखो हेड टू हेड रिकॉर्ड इनके काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, बट जो भी रिसेंट फॉर्म चल रहा है बहुत ही बेकार चल रहा है, 4 मैच में केवल 3 विकेट, और जो लास्ट वाले 2 मैचेज हैं उनमें तो इन्हें विकेट भी नहीं मिला था, ठीक है। हेड टू हेड रिकॉर्ड 5 मैच में 7 विकेट, और फिर यहाँ पर मार्कोड वन ऑफ द बेस्ट बॉलर 4 मैच में टोटल 11 विकेट, और लगभग इन्होंने सारे मैचेज में विकेट भी लिए हैं। तो गाइज ये तो बात होगी आपकी दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की। अब गाइज यहाँ पर मैं बात कर लूँ आपके लिए गिवे का क्वेश्चन क्या है और आपको गिवे में पार्टिसिपेट कैसे करना है। देखो तो गिवे का पहले रूल मैं आपको बता दूँ, देखो गिवे का बहुत सिंपल सा रूल है, अगर आप 500 व्यूज इस वीडियो पर लाकर देते हो तो फिर देखो आपको आपके लिए ये गिवे 500 रुपये का रहेगा, और देखो 500 व्यूज के साथ आपको देखो 100 लाइक का टारगेट आपको पूरा करना है। भाई मेरे आप लाइक और व्यूज़ का टारगेट आप पूरा क्यों नहीं कर रहे हो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं गाइज सारे वीडियो में आपके लिए गिवे मैं रखता हूँ, बट गाइज आप फिर भी आज तक आपने 500 व्यूज का और 100 लाइक का टारगेट पूरा नहीं किया, तो आई होप यार आप देखो इस वीडियो में आप देखो पूरा करोगे, और मेरे भाई देखो सपोर्ट समर्थन मिलता है तो देखो हमें भी बहुत ही बढ़िया लगता है, ठीक है। तो देखो सपोर्ट करना मेरे यार, बाकी अगर गिवे की बात कर लूँ तो देखो गिवे का सिंपल क्वेश्चन रहेगा कि इस मैच में देखो मैन ऑफ द मैच कौन सा प्लेयर बनने वाला है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि इस मैच में मतलब लोकेश राहुल कितना स्कोर करेगा, ठीक है। सटीक अगर आप आंसर नहीं भी दे रहे हो तो लगभग आपके आंसर में 5 से 6 रन का अगर गैप हुआ तो देखो चल जाएगा, क्योंकि यार देखो सटीक आंसर कोई भी दे नहीं पाता है, ठीक है। बाकी गाइज आपको कुछ भी नहीं करना, 7:30 बजे से पहले ही आपको आंसर देना है मैच स्टार्ट होने से पहले, और आप एक आईडी से केवल आप एक ही आंसर देना, मल्टीपल आंसर देना यहाँ पर अलाउ नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप ये सब जो भी मैंने आपको क्राइटेरिया बताया आप इसमें रहकर ही आप गिवे में पार्टिसिपेट करोगे, ठीक है। तो ये तो बात हुई गिवे की। टीम की अगर मैं बात करूँ तो देखो ओवरऑल जो मेरी टीम है ये देखो प्री फाइनल टीम है, अगर मान लो बाई चांस टॉस के बाद कुछ भी अनएक्सपेक्टेड लाइनअप में चेंजेस होता है देखो फाइनल टीम के लिए, तो आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना ही पड़ेगा, लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। यहाँ पर आपको सभी टीमें ना गाइस बिल्कुल फ्री में मिलती है, बहुत सारे लोग देखो प्राइम के पीछे भागते हैं, बट देयर फ्री की टीम खेलकर देखो बहुत ही बढ़िया टीम यहाँ पर आती है। टीम की बात करूँ तो देखो कैप्टन मेरा अभी के लिए कुणाल पांड्या रहेगा, मेन कारण का क्या है कि ये 4 का 4 ओवर बॉलिंग भी करने आएगा और ये 4 पे बैटिंग भी करने आता है, तो ऐसे प्लेयर देखो इस मैच के लिए ऐसे मैच में बहुत ही बेस्ट ऑप्शन रहते हैं कैप्टन के लिए। वीसी दोस्तों मेरे यहाँ पर बटलर रहेगा, जैसे फॉर्म है चल रहा है, पावर प्ले में देखो ये बढ़िया अच्छा खासा आपको बैटिंग करके देगा, यहाँ पर आप चाहो तो इवन वीसी आप यहाँ पर लोकेश राहुल को भी बना सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको टीम में थोड़ा सा रिस्क अगर लेना चाहते हो तो फिर आप अपनी टीम में आवेश खान को भी आप ट्राई करना, बहुत ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा इस मैच में आपके लिए, आप इसे एक ट्रम्प कार्ड पिक भी आप मानकर चल सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ मेरे ओर से प्रेडिक्शन रहेंगे, अगर ये चला तो फिर ठीक है, नहीं चला तो भाई फिर भी ठीक है। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए सही भाई को हमारी ओर से बेस्ट।